हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिए हैं ये आपके जो क्वेश्चन है सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन है। क्लास आपकी रेशियो की चल रही थी, ठीक है। रेशियो की क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, रेशियो एंड प्रॉपर रेशियो, ठीक है। इससे रिलेटेड जो हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे वो सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन होंगे, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन होंगे। आपको बता दें कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें क्लियर कर लेते हैं कि सिक्कों पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मेनली दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपके दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं सिक्कों पर आधारित, पहला टाइप और सेकेंड टाइप, दोनों टाइप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला टाइप क्या है, पहला टाइप आपको ये दे देगा कि जो रेशियो देगा, मेनली आपको देखो रेशियो ही समझना है। पहले टाइप में आपको रेशियो देगा सिक्कों का, ठीक है, सिक्कों का रेशियो देगा और आपको संख्या दे देगा। अब संख्या देखो, संख्या दो रूपों में दे सकता है। दोनों टाइप में सबसे मेन है सिक्कों की जो रेशियो होगा, रेशियो में अनुपात, वो आपका इससे रिलेटेड होगा। लेकिन जो पॉइंट होगा वो आपका होगा किससे रिलेटेड, ये जो संख्या दी जाएगी पहले टाइप में संख्या दी जाएगी आपको पैसों की या रुपयों की, ठीक है, और दूसरे टाइप में आपको किसकी संख्या दी जाएगी, सिक्कों की, टोटल सिक्के। शायद आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये बोल सकता है, पहला टाइप में आपसे ये बोल सकता है कि एक थैली है, एक थैला है, सपोज दैट मान लो ये आपका एक थैला है, ठीक है। इसमें आपसे एक कैंडिडेट बोल दे भैया 50 रुपए हैं, टोटल कितने रुपए हैं 50। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर है कि सिक्के कुछ भी हो सकते हैं, यानी सिक्कों की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके जो रुपए हैं वो कितने होंगे, 50 होंगे, क्लियर है। पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट ये होता है। अब सिक्कों का रेशियो कुछ भी दे सकता है, आपसे बोल सकता है 1:2:3 के अनुपात में सिक्के हैं, कभी कभी बोल सकता है कोई भी रेशियो दे सकता है। अच्छा, सेकेंड टाइप आपका क्या बनता है, सेकेंड टाइप फ्रेंड्स ये बनता है, आपको सिक्कों का रेशियो तो सेम देगा, आपसे बोल देते कि भैया सिक्कों की संख्या मान लो टोटल जो सिक्के हैं वो 480 सिक्के हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपके रुपए दिए गए थे, इसमें क्या दिया जाएगा, सिक्के दिया जाएगा। तो दो टाइप से मेनली क्वेश्चन बनते हैं आपके सिक्कों पर आधारित। चलते हैं क्वेश्चन, हम लोग विधिवत एक क्वेश्चन लेंगे और उसको पूरा सिक्कों से आधारित क्वेश्चन को विधिवत समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको जैसे मान लो आपको दिया गया, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, बोला गया आपसे एक रुपये कुछ सिक्के हैं एक थैले में, जिसमें एक रुपये एक रुपये 50 पैसे, ठीक है, और एक रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। अब अगली बार इसमें दिया क्या गया, सिक्कों का अनुपात दिया गया, यानी 3, 4 और कितना 10, ये किसका अनुपात है, सिक्कों का। सिक्कों का मतलब क्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ठीक है। यानी आप ये समझो एक रुपये एक थैले में एक रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, और इनकी जो सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया गया, यानी एक रुपये के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं। अब देखो इसमें कोई भी मेथड नहीं, काफ़ी ट्रिकें कुछ लोग याद करते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट याद करते हैं, आपको कोई भी ट्रिक या कॉन्सेप्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपको क्या करना है, आप अपने माइंड से समझ के करो, ठीक है। और टोटल रुपये बोला गया है, आपसे बोला गया सिक्के हैं जिनका मूल्य 102 रुपये, यानी टोटल जो उसमें रुपये हैं वो 102 हैं, यानी पहला टाइप बना आपका कितने, 102 रुपये, ठीक है। अब देखो आपको सबसे पहले अपने अनुसार सिक्के देखना है, कैसे करेंगे, देखो अगर एक रुपये के मान लो 3 सिक्के हैं, अगर एक रुपये के मान लो 3 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपये होंगे, आप बता सकते हो आपके पास 3 रुपये होंगे, ठीक है। अब 50 पैसे, 50 पैसे मतलब 50 पैसे का पहले एक सिक्का चलता था, ठीक है। अब 50 पैसे के 4 सिक्के मान लो आपके पास हैं तो कितने रुपये हो गए,
आप बोल सकते हो भैया 2 रुपये हो गए हमारे पास, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, कितने रुपए हो गए? 1 रुपये। क्लियर? अब देखो हमारे अनुसार टोटल सिक्के कितने रुपए आ गए हमारे पास? 3 रुपये, 3, 2, 5, 1, 6। यानी आप ये बोल सकते हो कि भैया हमारे अनुसार जो वैल्यू आई वो 6 आई, सवाल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू दी गई है वो कितने रुपये दी गई है? 102 रुपये दी गई है। अब आप ये बताओ हमारे अनुसार 6 रुपये, सवाल के अनुसार 102, तो अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो 1 की वैल्यू यहाँ से 17 आ जाएगी कि नहीं? अब देखो आपसे क्वेश्चन बोला गया था कि इनकी संख्या बताओ, किसके सिक्कों की। अब सिंपल सा आप निकाल सकते हो, सिक्कों की कोई भी संख्या बोली जाए आपको, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे? सिंपल सा अगर आपसे यहाँ से हम बोल दें कि आप क्या करो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं ये बताओ, तो 1 की वैल्यू 17 आ गई, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 तिरका 51। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 चौक 68। ठीक है, 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 170। जिसकी भी, कभी कभी तीनों ऑप्शन में होते हैं, तीनों का वैल्यू निकाल लेता है, बाकी जिसकी भी वैल्यू पूछे तो आप निकाल सकते हो। शायद क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अगर भी कोई भी दिक्कत है तो हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उस टाइप से भी समझा देंगे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं, अगला देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं जो सेकेंड टाइप था। ठीक है, जो सेकेंड टाइप था हमने बताया था दोनों टाइप से हम लोग पहले एक एक टाइप समझ लेते हैं और फिर उनके टाइप से क्वेश्चन करते हैं। जो आपका सेकेंड टाइप था उससे आधारित क्वेश्चन समझते हैं, वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे आपको एक, मान लो एक क्वेश्चन दिया गया कि 1 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे, 1 रुपये और 50 पैसे के कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं। कितने सिक्के? 210 सिक्के हैं। देखो इससे पहले आपको क्या बोला गया था? 102 रुपये, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है? 210 सिक्के हैं। मतलब ये संख्या किसकी दी गई है आपको? सिक्कों की दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इन्होंने बोला जिनके उनके मानों का अनुपात कितना है? 13:11 है, 13:11 इनके मानों का अनुपात। अब इस बात को समझो, यहाँ पर ये सिक्कों का अनुपात नहीं दिया गया है, इसके मानों का अनुपात दिया गया। तो अब यहाँ पर जबकि आपको ये वैल्यू किसकी दी गई? सिक्कों की। तो अब हम लोग पहले सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे ये बात आप समझो, 1 रुपये के कितने सिक्के लिए जाएँ कि 13 रुपये हो जाए। ये रुपए दिए गए, मान का मतलब क्या है? इतने सिक्के कि ये रुपए हो गए, इतने सिक्के कि ये रुपए हो गए। अब अच्छा आप ये बताओ 1 रुपये का 1 सिक्का, ठीक है, तो 13 रुपये होने में कितने? 13 सिक्के लगेंगे कि नहीं? अब 50 पैसे, 50 पैसे के कितने सिक्के हों कि 11 रुपये हो जाएं? तो सिंपल सा आप बोल सकते हो भैया 22 सिक्के होंगे कि नहीं? अब देखो टोटल अगर हम लोग निकालें तो 13 और 22 कितना होगा? 22, 3, 25, 10, 35। हमारे अनुसार 35, सवाल के अनुसार कितना? 210। ठीक है, एक की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो 7×5 35, 7×3 21 और 5×6 30, यानी 1 = कितना आ गया आपका? 6। क्लियर है? वैल्यू आपको किसकी निकालनी थी? 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। अब देखो 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 13, तो 13×6 78, कितना आंसर आएगा आपका? 78 आएगा। शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, पढ़ लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, चलिए स्लाइड थोड़ा उधर हो गई थी, ये देखो क्वेश्चन आपको क्या बोला गया, 50, एक थैली में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। ठीक है, उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है, तदनुसार उन सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे?
आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है, कितना 50 पैसे, ठीक है, 25 पैसे और 10 पैसे, ये दिया गया है, ठीक है। इनके मूल्यों का अनुपात यानी 5, 3, 1, ठीक है, ये दिया गया। अब आप ये देखो, 5 ये रुपए हैं। अच्छा ये बताओ, 50 पैसे के कितने सिक्के हों कि 5 रुपए बन जाए? तो 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 2 होते हैं। तो 5 रुपए में कितने सिक्के होंगे? आप बोल सकते हो भैया 10 सिक्के होंगे, ठीक है। अब 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4। तो 3 रुपए में कितने सिक्के होंगे? 4 × 3 = 12 होंगे, होंगे। अच्छा ये था, 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 10 होंगे कि नहीं? तो 10 यहाँ पर लिख देंगे, क्लियर है। हमारे अनुसार ये क्या निकला? सिक्कों की संख्या का अनुपात, क्या निकला? सिक्कों की संख्या का रेशियो ये निकल आया। देखो ये जो रेशियो दिया गया था ये रुपए का रेशियो था, जबकि ये हमने जो निकाले ये किसका रेशियो निकाला है? सिक्कों का। अब हमारे अनुसार 10 सिक्के ये हुए, 12 सिक्के ये हुए, 10 ये हुए, टोटल कितने सिक्के हो गए? जब आप देखोगे तो आप 10, 10, 20, 20, 10, 30 और 2, 32, हमारे अनुसार 32 और सवाल के अनुसार कितने? 480। 32 की वैल्यू 480 की, तो 1 की वैल्यू 32 से ये देखो कट जाएगा, कट जाएगा ना भाई। आप ऐसे भी काट सकते हो, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, 15 बार जाएगा, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तदनुसार उन सिक्कों की संख्या यानी सबके सिक्के अब आपको निकालना है। देखो 1 की वैल्यू 15, तो यहाँ पर सिक्के कितने हैं? 10। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 हो गई, 10 की वैल्यू 150, 12 × 15 180 और 10 150, यानी 150 के 2 और 180। तो कौन सा पार्ट सही? आप ऑप्शन मैच कर लो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी आपका कौन सा तीसरा ऑप्शन सही है? 150, 180, 150, क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जो देखो दिया गया, एक बॉक्स में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के 280 सिक्के, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8, 4, 3 के अनुपात में हैं, तो 50 पैसों की संख्या बताइए। देखो क्या करना है, आपसे बोला गया 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे, इसके बाद 25 पैसे और 1 रुपये, सॉरी पहले 1 रुपये का लिख लेते हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलिए देखो, 1 रुपये पहले दिया गया है, 50 पैसे और इसके बाद क्या दिया गया? 25 पैसे, ठीक है, यही तो बोला गया। अब देखो इनके मूल्यों का रेशियो कितना? 8, 4, 3। अब आप ध्यान से समझो, 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाए कि 8 रुपए हो जाए? तो आप बोल सकते हो 8 रुपए, 8 सिक्के हो जाए। अब देखो 50-50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएं कि 4 रुपए हो जाएं? तो आपको सिंपल सा पता है, 4 रुपए, 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपए में कितने सिक्के होंगे? 8 सिक्के होंगे, ठीक है। बात करते हैं 25 पैसे, 1 रुपए में 25 पैसे के होते हैं 4 सिक्के, ठीक है, तो 3 रुपए में कितने होंगे? 12 सिक्के होंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये कट रहा है, अगर आप चाहो तो काट भी सकते हो। देखो कितनी बार, 2 × 8 = 12, यानी 4 × 4 = 8 और 6 = 14। हमारे अनुसार टोटल वैल्यू आई 14, सवाल के अनुसार कितनी आई? 280, ठीक है। तो 1 की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे तो 14 × 2 = 28, यानी कितना आ गया? 20। आपसे क्या बोला गया? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब देखो 50 पैसे के सिक्के जब आप निकालोगे तो 1 की वैल्यू 20 आ गई, तो आपको 50 पैसे की कितनी वैल्यू? 4। तो 20 × 80, आपका आंसर कितना होगा? 80, यानी कौन सा पार्ट सही है? थर्ड पार्ट आपका सही है, क्लियर है।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 378 है। उपयुक्त सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको अभी जो हमने पहले क्वेश्चन लिए थे वो सारे क्वेश्चन अभी सिक्कों वाले लिए हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग आगे भी करेंगे तो नेक्स्ट टाइप के अलग टाइप से क्वेश्चन करेंगे। देखो आपको क्या बोला गया, 1 रुपये, इसके बाद 50 पैसे, ठीक है, इसके बाद 25 पैसे, ठीक है, कितने 13, 11, 7। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ये मूल्य दिया गया, ठीक है। अब सिक्कों का अनुपात आप निकाल लो यहीं से। कैसे निकालेंगे ये बात हमने बताया आपको। 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपये का 1 सिक्का होता है, तो 13 रुपये में कितने होंगे? 13 एकम 13, ठीक है। अब ये बताओ, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपये में कितने सिक्के होंगे? 11 दूनी 22, ठीक है। अब 1 रुपये में ये 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपये में कितने होंगे? 28 सिक्के होंगे। क्लियर है? ये सिक्कों की संख्या का रेशियो आ गया कि नहीं आपका? बोलो, अब आपको करना क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। अब हमारे अनुसार आप जोड़ लो, टोटल सिक्के कितने हुए? 28, 2, 30, 30 और 20, 50, 63, ठीक है। हमारे अनुसार सिक्कों की संख्या निकल के आई 63, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी निकल के आई? 378। कितने निकल के आई? 378। तो एक की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 7 63, 9 4 36, 9 2 18, 7 6 42, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब देखो क्या बोला गया, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? 28। 1 = 6, तो 28 की वैल्यू, 28 × 6 करेंगे, जब करेंगे 8 6 48 की 8 हासिल 4, और 6 2 12 और 4 16, यानी कितना आंसर है? 168। कौन सा पार्ट सही है आपका? ए पार्ट सही है। शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 6, 9, 10 के अनुपात में 34.5 रुपये 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो, अब हमने लिया है जो क्वेश्चन, वो उसमें क्या दिया जा रहा है? रुपए दिए जा रहे हैं। इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। अभी तक क्या दिया जा रहा था आपको? दिया जा रहा था क्या? सिक्कों की संख्या। तो अब इसको भी थोड़ा तरीका सेम रहेगा, बाकी कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे 1 रुपये, ठीक है, 50 पैसे और 10 पैसे, ये लेंगे कितना? 6, 9, 10। जब करेंगे तो आप ये समझो, 1 रुपये के ये सिक्के दिए गए हैं। देखो जस्ट उल्टा है, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ये सिक्कों की संख्या दी गई है। अभी बताओ, 1 रुपये के 6 सिक्के हैं थैले में, आपके पास 1 रुपये के 6 सिक्के हैं, तो कितने रुपए होंगे? आप बोल सकते हो 6 रुपए होंगे। अब अच्छा ये बताओ, 50 50 पैसे के आपके पास 9 सिक्के हैं, तो कितने रुपए होंगे? आप बोल सकते हो 4.5 रुपये होंगे, ठीक है। 10 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, कितने रुपए होंगे? 1 रुपये। टोटल शायद क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमारे अनुसार टोटल कितना होगा? 6 4 10 1 11, यानी 11.5, ठीक है। सवाल के अनुसार कितना दिया गया? सवाल के अनुसार आपको दिया गया 34.5 दिया गया। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 34.5/11.5, देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल, जब आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 2 10 5 3 15, और इधर आएगा 5 6 30, 5 9 45 और 23 3 69, यानी लगभग 3 बार टोटल जा रहा है, ठीक है। 3 बार गया। आपसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बोली गई, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है? 10।
एक की वैल्यू आपके अगर 3 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। क्लियर है, कौन सा पार्ट सही है? सेकंड पार्ट आपका सही है, यही आंसर। आगे चलते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य क्रमशः 5, 3, 1 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों की कुल संख्या 180 हो तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन को आपको सारी चीज़ें विधिवत समझनी है, जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ाया था, पहला टाइप। ठीक है, अभी इससे पहले ये टाइप के क्वेश्चन हुए थे सिक्के, जिसमें देखो सिक्कों की संख्या की वैल्यू दी रहती थी। ठीक है, कैसे करेंगे? 1 रुपये 50 पैसे और कितना है, 25 पैसे। क्या करेंगे? 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे मूल्यों का रेशियो कितना, 5, 3, 1, ये दिया गया मूल्यों का रेशियो। अब देखो ये मूल्य है, अभी तक सिक्कों का था, अब ये मूल्य दिया गया। तो 1 रुपये में 1 रुपये 5 रुपये बन जाए, 1 रुपये के कितने सिक्के हों, तो आप बोल सकते हो 5 सिक्कों। ठीक है, अब देखो 1 रुपये में 50 पैसे 2 होते, तो 3 में कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, और इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर है इतनी बात? अब देखो हमारे अनुसार टोटल कितना है, 6, 4, 10 और 5, 15। हमारे अनुसार 15 आया सिक्कों की संख्या, सवाल के अनुसार कितना आया, 180 आया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आपकी आ गई 12 के यानी 12 के बराबर। ठीक है, अब सभी सिक्कों का मूल्य, अब देखो सिक्कों की संख्या मूल्य कितना टोटल दिया गया है आपको, ये निकाल लो। आप देखो टोटल कितना, 1 की वैल्यू 12 आ गई, तो जब आप मूल्य निकालोगे तो 6, 5, 11 और 4, 15, तो 1 बराबर 12, तो 15 बराबर कितना आ जाएगा, 180। यानी टोटल रुपए कितने होंगे, 180 रुपए होंगे। क्लियर, सॉरी थोड़ा ये सिक्कों की संख्या टोटल नहीं आपसे बोली गई है, आपसे बोला गया टोटल मूल्य बताओ। क्या बोला गया, मूल्य बताओ। ठीक है, तो 1 की वैल्यू जब आपको 12 दे दी गई, 1 की वैल्यू कितनी दी गई, 12, तो मूल्य कितना होगा, 5, ये मूल्य दिया गया टोटल, ये मूल्य तो 5, 3, 8, 1, 9, 1 की वैल्यू 12, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 12 नहीं है 108, 108 आपका क्या होगा, आंसर होगा। शायद क्लियर हो गया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोला गया, एक थैले में 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे के सिक्कों की संगत अनुपात 3, 4, 5 है। यदि कुल धनराशि 250 रुपये हो तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। अब देखो इसमें क्या दिया गया, रुपए की संख्या दी गई, टोटल कितना दिया गया, रुपए की संख्या। कैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे, 2 रुपये 2 रुपये 1 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, यही दिया गया वैल्यू। अब आप इनका सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया, 3, 4, 5। किसका अनुपात है, ये सिक्कों का अनुपात है। ठीक है, सिक्कों का रेशियो है ये। अब यहाँ से टोटल रुपए निकाल सकते हैं हम लोग। अगर आप ये मान लो 2-2 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो टोटल रुपए कितने हुए, आप बोल सकते हो 6 रुपए हुए। ठीक है, अब देखो 1-1 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास, 4 रुपए हो गए। 50-50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए, 2.5। हमारे अनुसार टोटल रुपए कितने, 6, 4, 10, 2, 12.5। हमारे अनुसार टोटल रुपए आए 12.5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपए दिए गए, 250। तो अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो 250/12.5 करेंगे, दशमलव हटा दो, 1 0 बढ़ा दो, 125 × 250, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। आपसे बोला गया 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, यहाँ पर देख लो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी दी गई है, 4 दी गई है, तो 20 × 80, यही आपका आंसर है। यानी कौन सा पार्ट, चौथा पार्ट आपका सही है। क्लियर है, आगे उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करिए।
ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करिए, ठीक है, कमेंट जरूर करिए। कमेंट से हमें यह पता चलता है किसने किसने आप लोगों ने वीडियो इसको पूरा प्रॉपर्ली देखा है और क्या क्या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपका सहयोग ही सब कुछ है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए।